सद्य सात भो श्री और सद्य सार गाली। ये गाली का जो प्रचलन क्यों हुआ और भो और श्री का मतलब यहाँ क्या है, ये बहुत साधारण सी बात है, मगर चूंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और पहले भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। पुराने समय में, पाली के समय में, बुद्ध के समय में, बुद्ध से पहले के समय में एक बहुत प्रचलित शब्द था भो, भय और ओ की मात्रा भो। भो जो शब्द था वो ठीक आज का ऐसा शब्द था जैसे हम किसी को बोलते हैं ओ ओ भाई ओ, या ए ए बहन ए, या कहते हैं कि ओ माय डियर, यानी कि ओ मेरे प्रिय। ओ माय डियर, ओ और ए, ये शब्द बहुत ज़्यादा आज की डेट में हैं। ये भो से शब्द बने हुए हैं, यानी भो का ही रूपांतरण है। इनका अर्थ दोनों का सेम है, शब्द दोनों के अलग अलग हैं। पुराने समय में बहुत ज़्यादा बोला करते थे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में पूरे दिन में कई बार लोगों को बुलाना पड़ता है ओ ए या माय डियर कह के। और जो आपने एक शब्द सुना होगा संत शिरोमणि, संत माने तो शांत होता है, और शिरोमणि माने होता है कि हेड यानी सर की मणि, यानी सर के डायमंड, सर के हीरे जो सर के ऊपर होता है। तो सारे जितने भी लोग हैं उनमें वो शिरोमणि है, यानी हेड है और हीरे की तरह चमक रहे हैं, इसको संत शिरोमणि का मतलब है। यहाँ जो सिरो है इसका मतलब है सिर से बोलते हैं, हेड से, और इसी से बना हुआ है श्री, क्योंकि आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी वेठन बोलते हैं, वेठन, वेठन का मतलब है लपेटना, और सिरो वेठन का मतलब है पगड़ी। पुराने समय में जो कपड़ा सर पे लपेटा जाता था उसको सिरो वेठन बोलते थे। तो यहाँ जो श्री शब्द है, श्री का मतलब थोड़ा सा डिफर है। श्री का मतलब होता है कि बहुत जो संपन्न व्यक्ति होता है, धन धान्य से और सुख और सुविधाओं से जो संपन्न व्यक्ति होता है पुराने समय में, उसको श्री बोलते हैं। जैसे कहते हैं ये श्री है, या आज की डेट में जिनको श्रीमान या श्रीमंतु करके बोला जाता है, वो श्री का मतलब आप बहुत ज़्यादा धन धान्य से, ऐश्वर्य से, या बहुत ज़्यादा सुख संपन्नता से भरे हुए हैं, इसलिए वो श्री बोला जाता है। तो ये दो शब्द मिलते हैं भो और श्री, भो श्री दोनों मिलके जो शब्द बनते हैं, ये बड़े प्रचलित शब्द था। इसका मतलब है माय डियर संपन्न व्यक्ति, ओ मेरे प्यारे बहुत ज़्यादा सुख संपन्न में रहने वाले, या अरे मेरी प्यारी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं संपन्न में रहने वाली, यानी जिसको बहुत ज़्यादा सुख संपन्न है। तो ये बहुत प्रचलित शब्द था। इस प्रचलित शब्द में अधिकतर लोग भारत के भोश्री थे, जितने भी मूल निवासी हैं, क्योंकि वो सभी संपन्न थे और सभी धन धान्य से भरे हुए थे, बड़े सुख सुविधाओं से भरे हुए थे। उनके जीवन में दुख नहीं था भारत में, क्योंकि दुख तो तब होगा जब उनके ऊपर कहीं कोई ऐसा अत्याचार हो, या उनकी जमीन जायदाद छिन रही हो, या मेहनत करने में उन्हें पैसा ना मिलता हो, या कहीं बाहर के लोग आके उनको दबाते हों। ऐसी तो कोई बात थी नहीं, इसलिए सारे के सारे लोग भोश्री थे। और ये गाली बाद में बनी। शय जो शब्द है वो पाली में नहीं होता, शय जो श्री वाला है इसमें शय लगा दिया और इसको गाली बना दिया। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि गाली का शब्द क्या पाली भाषा में है? पाली भाषा में गाली नाम का कोई शब्द नहीं है। गाली बेसिकली, जहाँ तक अंदाजा है जो मैंने विद्वानों को सुना है और पता चला है, कि गाली शब्द पाली से बाहर का बाद का बनाया हुआ शब्द है, क्योंकि यहाँ भारत में बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले से समय में कोई किसी को गाली देता ही नहीं था। ना तो यहाँ खाने की कमी थी, ना यहाँ झगड़े होते थे, सभी बहन भाई थे, एक ही देश के रहने वाले थे। यहाँ बाहर के जो इन्वेडर हैं वो भी नहीं आए थे, तो जब बाहर के लोग यहाँ थे ही नहीं, तो यहाँ कोई गाली का मतलब ही नहीं, तो वो शब्द भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि गाली क्या होती है। बुद्ध एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते थे उसके लिए जो मेहनत नहीं करता था, जो निकम्मा होता था। वो कहते थे, या तो निकम्मा बोलते थे और या कहते थे मोघ पुरुष, पुरुष यानी मोघ पुरुष। कोई अगर झूठ बोलता था भिक्खु संघ में, या उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करता था, या जैसा बुद्ध ने बताया, सुगत ने बताया, जैसा तथागत ने बताया, जैसा भगवान ने बताया, जैसा भंगी ने बताया, जैसा भंगी बुद्ध ने बताया,
अगर उसमें वो अपनी बात मिक्स करके और उसका अर्थ का अनर्थ करके, यानी कि उस बात को खराब करके, दोषपूर्ण करके, पाप से भर के अगर किसी को वो सुनाता था और वो बात पकड़ी जाती थी, तो भगवान बुद्ध, भंगी बुद्ध और तथागत भरी सभा में उसको मोग पुरुष कह के डांटते थे। और मोग का मतलब होता है व्यर्थ का, बेकार का, जो किसी काम का ना हो, यानी जो बेकार है, जो वेन है, जो व्यर्थ है, जो निकम्मा है, जो किसी काम का नहीं है, ये शब्द वो इस्तेमाल करते थे और ये शब्द चारों तरफ होता था। तो गाली कैसे याद हुई और गाली कैसे बनी? सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि गाली का फायदा नुकसान क्या है। गाली का फायदा ये है कि गाली देने वाला व्यक्ति आपके अच्छे खासे शब्दों को निकम्मा करके आपके सामने पेश करता है और वो बार 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 रिपीट करेगा ताकि आपके मन और मस्तिष्क में, दिमाग में वो शब्द खराब हो जाए जो आपका बहुत शब्द उजला हुआ है। जैसे किसी को हम चढ़ाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ा मोटा है। अब मोटा होना अच्छी बात हो सकती है, मोटा होना सेहत वाली बात हो सकती है, मगर अगर आपको लगातार मोटा 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 कहा जाए तो आपको मोटे शब्द से चिढ़ जाती है और वो शब्द आपके दिमाग में आ जाता है और आप खाना छोड़ देते हैं पतले होने के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि विटामिन की और न्यूट्रिशन की कमी होगी अचानक, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मोटा शब्द गाली बन गया। ऐसे ही जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि इनको कैसे डिप्रेस किया जाए, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनके मन मस्तिष्क में इनके अच्छे शब्दों को खराब करके भरा जाए। तो सबसे पहला वार उन्होंने स्त्रियों पर किया, महिलाओं पर किया, गालियाँ महिलाएं की बनाई। पुरुष थोड़े से समझ में ज़्यादा थे क्योंकि वो आना जाना था, मगर महिलाएं थोड़ी सी कमजोर थी। मगर भारत की जो महिलाएं जिन पर वार किया गया वो बड़ी मजबूत महिलाएं थीं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ महिला प्रधान देश था। शरीर थोड़ा सा उनका ऐसा हो सकता है कि पुरुष के मुकाबले थोड़ा शारीरिक रचना प्राकृतिक रूप से कमजोर हो, मगर वो हर बल में उनसे मजबूत थी। तो उन महिलाओं को तोड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए उनके नाम की गालियाँ बनाई गई। यानी कि दो पुरुष भी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, उसकी पोती को, उसकी नाती को, उसकी बहन को वो गाली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी जो फीमेल है, जो कुल माता है, जो घर की मुखिया है, क्योंकि भारत में तो मुखिया महिला ही नहीं है, उनको दबाया गया। तो सारी गालियाँ लगभग महिलाओं के ऊपर बनाई गई पहली बार, क्योंकि महिलाएं अत्यंत प्यारी होती थीं अपने परिवार के पुरुष के लिए, और बच्चे जो पुरुष उसके बेटा है या बेटी है या जो उसका भाई भतीजा है, जो भी है। दूसरा, गाली का जो चरण बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया कि गाली देने वाला गाली जिसको देता है उससे कुछ ना कुछ लेके जाता है मनोबल रूप में। यानी कि अगर मैंने एक गाली किसी को दी तो गाली मैंने दी, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा। तो गाली मनोबल तोड़ने का एक साधन बनाया गया, एक इक्विपमेंट, एक अस्त्र और एक शस्त्र बनाया गया, जिसका इस्तेमाल आज भी धड़ल्ले से होता है। गाली आजकल इतनी ज़्यादा प्रचलित क्यों है? क्योंकि गाली जो चलती है वो मन से और मानसिक विकार से चलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया है कि जहां आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब आपको एक इरिटेशन पैदा होती है, एक शरीर के अंदर व्यग्रता एक पैदा होती है और उस व्यग्रता को निकालने के लिए आप अनाप शनाप अपशब्द बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा सा ठंडक पड़ गई, क्योंकि सामने वाले का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो कुछ गाली दे के मन शांत हो गया। स्थिति ऐसी है कि गाली दे के कभी मन शांत नहीं होता, बल्कि अगर आपका परिवार उन गालियों को सुनेगा या आसपास गालियों को सुनेंगे तो आपकी छवि ज़्यादा खराब होगी। अच्छा ये रहे कि आप गाली ना दें, गाली का इस्तेमाल बंद कर दें, और सामने वाला भी अगर गाली देता है तो आप उससे इग्नोर करें, वहाँ से निकल जाएं, उससे उसकी तरफ देखें भी नहीं, उसकी गाली उसके पास ही रह जाएगी। जैसा कि बुद्ध की एक कथा के अनुसार, जो बहुत मुख्य कथा है, बड़ी फेमस कथा है, इसलिए आप इस गाली के मैकेनिज्म को समझें। क्योंकि एक बार भगवान बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आया और उनके जो बिहार था, जो उनका जंगल था जहां वो रहते थे, उसके बाहर खड़ा होकर जोर जोर से गालियां बकने लगा। उसके पीछे घटना ये हुई कि वो परिवार अपना कर्म कांड करके कुछ पैसा कमाता था और उसका सारा परिवार, जब उसने भगवान बुद्ध के, तथागत बुद्ध के, सुगत के, भंगी बुद्ध के
सारे बातों को समझा और सुना तो उन्होंने वो कर्मकांड छोड़ दिया और वो उनकी शरण में आके सादा जीवन जीने लगे, मेहनत का जीवन जीने लगे। ये बात जो घर का मुखिया था, क्योंकि घर के मुखिया ने इतने दिनों से कर्मकांड का काम किया, कर्मकांड का वो परंपरा को निभाता चलाया था, वो नहीं चाहता था कि कर्मकांड छूटे, तो उसने कहा कि मैं श्रवण गौतम को छोड़ूंगा नहीं। इस रूप में वो आके वहाँ गालियाँ बकने लगा और पूरे जो भी आघात के प्रयास थे वो करने लगा। जब वो गाली देता देता थक गया तो भगवान बुद्ध ने उसको बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जब किसी के घर जाता है और कोई उपहार में कुछ खाना या कुछ चावल या कुछ शहद या कुछ लेके जाता है और वो जो मेजबान व्यक्ति है अगर वो उस उपहार को लेने से मना कर दे तो उस उपहार को वो जो व्यक्ति है, जो मेहमान आया हुआ है, वो अपने साथ लेके जाता है, वैसे ही मैंने आपके द्वारा दी हुई ये जो गाली हैं इनको ग्रहण नहीं किया। तो वो व्यक्ति समझ गया कि अब तो ये मुझे साथ ले जानी पड़ेंगी, यानी उसकी दी हुई गाली उसी के पास रह गई। उसको बहुत शर्म आई, लज्जा आई और वो भगवान बुद्ध की शरण में चला गया। उसको ये समझ में आ गई कि मेरा परिवार ठीक ही भगवान बुद्ध की शरण में आया है, ये सम्यक संबोधि हैं, सम्यक संबुद्ध हैं और इन्होंने उनका कल्याण किया है, मेरा कल्याण भी अब होगा। ऐसा सोच के वो गया। तो गाली का मैकेनिज्म भगवान बुद्ध ने बहुत सिंपल सा बताया है। कोई व्यक्ति आपको अगर अधो शब्द, अधो का मतलब है नीच क्वालिटी के, खराब शब्द या अपशब्द जिसको बोलते हैं, अधो शब्द या अपशब्द बोलता है या गाली देता है, अब्यूजिंग करता है या आपको निम्न स्तर पर लेके जाने की कोशिश करता है, तो आप उसकी किसी भी बात को ग्रहण ना करें। उसकी गाली उसके साथ चली जाएंगी, आपके पास वो गालियाँ नहीं आएंगी। आप उस पर रिएक्ट ना करें, ना उस पर गुस्सा हो, ना अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, ना उसकी तरफ देखें, ना उससे बातचीत करें, वहाँ से हट जाएं, वहाँ से निकल जाएं और वो व्यक्ति अपने आप ही लज्जित होकर निकल जाएगा, या सब गुस्सा उसके पास रहेगा, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा या हार्ट फेल उसका होगा या ब्रेन हेमरेज उसका होगा, आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपने वो गालियाँ ग्रहण कर ली और उनके बदले में आपने कुछ गालियाँ और दे दी, फिर तो गालियों का एक युद्ध होना शुरू हो जाएगा और दोनों का ही नुकसान होना निश्चित है, फिर आप नहीं बच सकते। ये गाली का फिनोमिना है, इसलिए गाली बनाई गई है ताकि आप मानसिक गुलामी में पड़े रहें। धन्यवाद।